हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम और बच्चे ट्यूशन से आए थे। ट्यूशन से आके चाय पी रहे हैं, चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं। तो यहाँ पे शाम को सब बैठे हैं, हम चाय ले रहे थे सभी। और ये मोनी के पापा हैं, कोई बात कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस मोनिक खा रहा है अपने गोलगप्पे। मोनिक के माजी गोलगप्पे लेके आए थे, इसलिए वो डांस कर रहा था। और यहाँ पे मोनिक के पापा अपनी बांसुरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको बांसुरी बजाने का बहुत शौक है, मतलब कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं। मोनिक के फेवरेट है ना गोलगप्पे। हाँ। सूखे गोलगप्पे बिना पानी वाले। तो गाइस यहाँ पे मैं और पूजा जी कर रहे थे सब्जी कट शाम के लिए। तो मम्मी जी ने बोला था गाजर और मटर, मतलब कर लेना सब्जी तैयार। तो यहाँ पे हम गाजरे छील रहे थे, मटर तो कर लिए थे। तो हमें ऐसे हुआ कि नहीं यार, गाजर मटर खाने का मन नहीं है। तो मैं इनको बोल रही थी कि पनीर ले आना, मटर पनीर बनाएंगे। कहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अभी हुआ मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। अभी तो सब सो रहे हैं, लेकिन मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी और जैसे ही सब उठेंगे वैसे ही सब नाश्ता कर लेंगे। पियू, प्लेट तो ले जा। बुआ दे रही है छोटी। छोटी प्लेट ले जा बाबू। वो है ना, ना बस है। वैसे ही तो है। बाय, जल्दी आ जाना, ठीक है। क्या कर रहा मोने? जा मोने के पास। कौन हो रहा है? क्यों रो रहा है? क्या हो गया? तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी इनके बालों में तेल की मालिश, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैंने इनके सिर में ऑयलिंग नहीं की थी। तो आज मतलब ये खुद ही बोले कि यार काफी टाइम हो गया है ऑयलिंग नहीं करी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्री बैठे हैं तो ऑयलिंग ही कर देती हूँ इनके। वैसे तो फ्री होते हैं पर थोड़ा सा मतलब याद दिला देना कि हाँ ऑयलिंग करवा रही हैं या कुछ भी, तो फिर तब हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे चले गए थे पार्क खेलने के लिए थोड़ी देर, और हम बैठे थे फ्री यहाँ पे। मैंने भी अपने सर में तेल की मालिश कर रखी है, क्योंकि मुझे पता था संडे है, नहाने में लेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा ऑयलिंग कर लेती हूँ, और नहाने में तो वैसे भी लेट हो जाएंगे, तो 2-3 घंटे मतलब ऑयल रह जाएगा सर में। पे हमला करने की कोशिश में
तो गाइस यहाँ पे हो रहा था नाइट का टाइम, और नाइट में हमने खाना वाना खा लिया था, दूध वगैरह भी पी लिया था बच्चों ने, और बस बिल्कुल फ्री होकर बच्चे और हम सब लेट रहे थे और बच्चे देख रहे थे अपनी कोई मूवी, तो बस यहाँ पे ये सब मूवी देख रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। क्या हो गया पियू? क्या हो गया बाबू? बीमार हो गया मेरा बच्चा। ओए बाबूशा, पी लो चाय, पी लो गलम गलम। पे मोनिक हो गया रेडी, स्कूल जाएगा मोनी। मोनी मेरा अच्छा बच्चा है ना, मोनी के एग्जाम आने वाले हैं बस अब थोड़े दिनों में। मोनी बहुत स्टडी कर रहा है अभी ना, एग्जाम 29 को खत्म हो जाएगा, फिर 11 को चल जाएंगे। 11 फिर भी हमारे पास 10 डेज है ना, बस अच्छे से तैयारी कर लो ठीक है। और यहाँ पे ना गाइस हमारी डोरा बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि आज हमने एक चूही पकड़ी थी पिंजरे में, तो ये बार बार मतलब वो पिंजरा हमने ऊपर दीवार पे रख रखा है, तो उसको ऐसे हो रहा था बस कि है क्या इसमें, मैं इसको पकड़ लूंगी, तो ये ना खाना खा रही है कुछ भी नहीं, बस वहीं खड़ी है दीवार पे उछलती है, देखो कैसे खड़ी हो जाती है। और बस सारा दिन मतलब आज इसने यही देखा है कि इसमें है क्या, और हमें बार बार देखो बताने आ रही थी। तो गाइस ये मैंने मंडे का ही वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब आज का ही है ये। यहाँ पे मैं मोनी के लिए लंच तैयार कर रही थी, और कल गाइज मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और क्या हुआ ना कि कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी मैं, कुछ खास था नहीं तो कुछ खास मैंने शूट भी नहीं किया, तो फिर मैंने सोचा कि कल मैं अपलोड नहीं करूँगी कुछ भी, इसलिए एक दिन लेट हो गया है। तो एक दो दिन में जो भी मतलब मैंने पिछला थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था तो वो सब मैंने आज के ही व्लॉग में डाल दिया है। और यहाँ पे मोनी के परांठे हो गए हैं रेडी, फटाफट से मोनी के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है यहाँ पे मुझे, क्योंकि 11:30 के लगभग टाइम हो गया था और 12 बजे मोनी का लंच टाइम होता है। यहाँ पर मैंने पैक कर दिए हैं मोनी के परांठे, और आज मैंने बनाया था लंच में दाल बनाई थी, तो यहाँ पे तो सिर्फ अभी मोनी का ही लंच पैक हुआ है। हमारा लंच तो मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, 12:30-1 बजे के करीब बनता है हमारा। और बस यहाँ पे आज पीहू स्कूल नहीं गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो सिर्फ मोनी का ही लंच बॉक्स पैक करना था मुझे, इसलिए फटाफट से मैंने मोनी के लिए परांठे बना दिए थे, दाल मैंने पहले ही बना दी थी, और बस फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए हैं मोनिक को, क्योंकि फ्रूट्स रहता है कि मतलब मुझे फ्रूट्स तो ज़रूर भेजा करो मम्मा, तो उसको ज़्यादा पपाया ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर हम उसके लिए पपाया ही लेके आते हैं, वो ज़्यादा पपाया खाता है, या फिर ग्रेप्स हो गए, ग्रेप्स भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी पपाया मोनिक के लंच बॉक्स में डालने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक। और हाँ गाइज जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।